उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज अंतर्गत दीवान निर्माण के दौरान विवाद होने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को लाठी से मार दिया। घायल पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मारपीट का मामला पंजीकृत कर घायल युवक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया। थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत बिराई गाँव के मजरा बिराई गाँव में दो पक्षों में उस वक्त विवाद हो गया जब एक पक्ष दीवार का निर्माण करा रहा था तो वहीं दूसरे पक्ष का आरोप था कि यह उसकी भूमि है। इसी को लेकर दो पक्ष के लोगों ने रईस के ऊपर लाठी से हमला कर दिया जिससे उसका सिर फट गया। घायल पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराकर मारपीट की धाराओं में 324/504/506 में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की है। वहीं पीड़ित का कहना है कि जिस जमीन पर विपक्षी दीवार उठा रहे हैं वह उसकी जमीन है और SDM के द्वारा आदेश किया गया है कि मौके पर जाकर उसकी जांच करे, लेकिन पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को नहीं रुकवाया, उसे न्याय नहीं मिला है। वहीं पीड़ित का कहना है कि इससे पूर्व में भी इस जमीन का मामला हो चुका है जो उसके पक्ष में फैसला हुआ था, उसके सुलहनामे की प्रति उसके पास मौजूद है। आपका नाम? मोहम्मद रईस। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है? हमारा मामला तो यह था कि जैसे विवादित की जगह थी, केस चल रहा था 4 महीने से, और प्रधान और मतलब कुछ लोगों ने फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद फैसला होने के बावजूद प्रधान जबरदस्ती लोगों को दीवार उठवा रहे थे, तो मैं रोकने के लिए गया तो पीछे से लाठी से मेरे को मार। SDM के वहाँ से क्या आदेश आया? वहाँ से ये आदेश आया कि वो जगह मतलब विवादित की जगह उसे रोका जाए। वहाँ पर कोई जो है पुलिस वाला गया कि नहीं गया? कल शाम में गए थे लेकिन वो बोल के चले आए, दोबारा कोई नहीं गया। दोबारा फिर आपने शिकायत की कि नहीं की? शिकायत की लेकिन वो कोई नहीं जा रहा था। जब बवाल होने लगा तो भी फोन लगाया तो कोई मतलब फोन तो इसी ने रिसीव नहीं किया। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।